दोस्तों, अगर आपके फिर फैम पे में सिम बॉन्डिंग फेल्ड कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, जब आप अपना फैम पे पर अकाउंट बनाते हैं, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा है, सिम बॉन्डिंग फेल्ड यही प्रॉब्लम बता रहा है, तो कैसे आपको इसको ठीक करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा। आपको अपने मोबाइल में केवल दो सेटिंग करना है, उसके बाद आपका फैम पे में सिम बॉन्डिंग फेल्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसे जानने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर ये फैम पे में सिम बॉन्डिंग फेल्ड किस वजह से आ रहा है, कैसे ठीक होगा, अब ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको अपने मोबाइल पर आ जाना है, फैम पे एप्लीकेशन पर आपको इसे लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस आपको ओपन नहीं करना है, कुछ टाइम तक इस पर टच करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऐप इन्फो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप ऐप इन्फो पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप ऐप इन्फो पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको इसकी जो स्टोरेज होगा, यहाँ से आपको इसका स्टोरेज क्लियर करना है। तो स्टोरेज क्लियर करने के लिए यहाँ आपको स्टोरेज पर क्लिक करके क्लियर डेटा पर क्लिक करना है। अब यहाँ से इसका स्टोरेज क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टोरेज क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपको परमिशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको परमिशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको इन सभी परमिशन को अलाउ करना है। अभी ये कोई भी परमिशन अलाउ नहीं है, पर आप लोकेशन अलाउ कीजिएगा। यहाँ पर ऐसे मतलब जितने भी हैं सभी को आपको ऐसे अलाउ कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मेरा सभी परमिशन अलाउ हो चुका है। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट सेटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है। जैसे आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है फैम पे। अब दोस्तों, यहाँ आप जैसे फैम पे सर्च करेंगे, यहाँ पर अगर आपके फैम पे में कोई अपडेट आया होगा तो यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। आप अपने फैम पे एप्लीकेशन को अपडेट यहाँ से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो जरूरी सेटिंग है, जिसकी वजह से सभी लोगों का ये फैम पे में सिम बॉन्डिंग फेल्ड प्रॉब्लम बता रहा है, यही वो सबसे बड़ा रीजन है जो आपको अपने सेटिंग में करना है। तो आपको इसे करने के लिए अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन कर लेना है। इसको करने के बाद आपका फैम पे में सिम बॉन्डिंग फेल्ड का प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगा। तो आपको अपने मोबाइल में यहाँ पर जैसे सेटिंग को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, अगर आप सिंगल सिम यूजर्स हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, या फिर अगर आपके मोबाइल में डबल सिम है तो उसके लिए आपको कैसी सेटिंग करना है, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर सिंगल सिम यूजर्स हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, एक बार आपको अपने सिम को यहाँ से निकाल के जो आपने सिम 1 में लगाया है, वो आपको सिम 2 में अपना सिम को लगा देना है। ये आपको करना है अगर आप सिंगल सिम यूजर हैं। आपके मोबाइल में डबल सिम है तो सबसे पहले आप यहाँ सेटिंग से चेक कर लीजिए, जो आपके मोबाइल में डेटा है वो सिम 1 में चालू है या फिर सिम 2 में। अगर आपका डेटा सिम 1 में ऑन होगा तो आपको अपने डेटा को चेंज कर देना है, सिम 2 में कर देना है। आपको सिम 1 की जगह सिम 2 को लगाना है और सिम 2 की जगह सिम 1 को लगाना है। इसको लगाने के बाद आप अपने मोबाइल को फिर से स्विच ऑन करेंगे। और दोस्तों, जो मेन कारण है, यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने फैम पे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पर मैं आपको लाइव अपना फैम पे में अकाउंट बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, अब वेरीफाई बाई SMS इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली बात है, देख सकते हैं जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर डाला, वेरीफाई क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर मेरे नंबर पर एक OTP जाता है मैसेज। अब ये मैसेज तभी जाएगा जब आपके मोबाइल में रिचार्ज रहेगा, जब आपके मोबाइल में मैसेज प्लान अगर रहेगा तभी ये मैसेज जाएगा। अगर आपके मोबाइल में मैसेज प्लान नहीं रहेगा या फिर आपका रिचार्ज खत्म हो चुका होगा, इनकमिंग आउटगोइंग सब बंद होगी, तो ये मैसेज नहीं जाएगा, OTP नहीं जाएगा। तो आप जिस नंबर से अपना फैम पे अकाउंट बना रहे हैं, पहले आप वो चेक कर लीजिए कि इस नंबर पर रिचार्ज है, इनकमिंग है, आउटगोइंग चालू है या बंद तो नहीं है। आप पहले किसी को मैसेज सेंड करके देख लीजिए मैसेज आ जा रहा है कि नहीं। अगर मैसेज नहीं जाएगा, नहीं आएगा, तो आपका ये फैम पे अकाउंट नहीं बनेगा, आपके फैम पे में सिम बॉन्डिंग फेल्ड का प्रॉब्लम फिर से आएगा। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं था, इसलिए मेरा फैम पे अकाउंट नहीं बन रहा था। जैसे मैंने अपने मोबाइल में रिचार्ज कर लिया, यहाँ पर देख सकते हैं अब ये मेरे मोबाइल में फोन नंबर मेरा वेरीफाइड हो चुका है, तो सिम बॉन्डिंग फेल्ड का प्रॉब्लम बता रहा था वो मेरा ठीक हो गया है। तो आपको यही कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग करना होगा, आपका फैम पे में सिम बॉन्डिंग फेल्ड का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना, जिससे और भी काफी सारे लोगों को हेल्प मिले।